अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो की पिछली पार्ट वन वाली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए ताकि आज की वीडियो आपको क्लियरली समझ आ सके। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह यूसुफ़ ख़ान साहब ने अपनी ज़िंदगी में तरक्की की थी और आप किस तरह से मदुरई के हाकिम बने थे। जब यूसुफ़ ख़ान साहब मदुरई के हाकिम बने तो वो ऐसा दौर था सियासी और हुकूमतों के बदलाव का कि एक तरफ नवाब हैदर अली ख़ान साहब मैसूर के सर्वाधिकारी बने तो दूसरी तरफ चंदा साहब को हटाकर आरकोट की हुकूमत पे वल्ला जा बैठ गए थे। और दोस्तों, शायद तकदीर का यही खेल था कि यूसुफ़ ख़ान साहब को भी मदुरई की हुकूमत मिली थी। और मदुरई के हाकिम बनने के बाद यूसुफ़ ख़ान साहब ने अपनी आवाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम किए और साथ ही उन्होंने अपनी हुकूमत को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करने की हर मुमकिन कोशिश की। दोस्तों, कई रिवायतों में ये कहा जाता है कि उस दौर में यूसुफ़ ख़ान साहब की शोहरत के दूर दूर तक चर्चे थे और लगभग पूरे साउथ इंडिया में यूसुफ़ ख़ान साहब को ख़ान साहब के नाम से पहचाना जाता था। दोस्तों, मैं जानता हूं कि अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ जब नवाब हैदर अली ख़ान साहब हुकूमत में आ चुके थे तो और दूसरी तरफ यूसुफ़ ख़ान साहब मदुरई में हुकूमत में आ चुके थे तो क्या आप दोनों का कोई इसी तरह का कनेक्शन था। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको क्लियरली देना चाहूँगा कि नवाब हैदर अली ख़ान साहब यूसुफ़ ख़ान साहब के ना तो उनके साथ थे और ना ही उनके ख़िलाफ़ थे, क्योंकि आप दोनों ने ही अपनी हुकूमत नई नई संभाली थी और आप दोनों ही अपनी हुकूमत को मजबूत और ताकतवर बनाने में लगे हुए थे। हैदर अली अपनी हुकूमत को बढ़ा रहे थे और यूसुफ़ ख़ान साहब अपनी हुकूमत की तरक्की पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। और साथ ही नवाब हैदर अली ख़ान साहब और यूसुफ़ ख़ान साहब के बीच में किसी तरह के कॉन्टैक्ट की बात या फिर किसी तरह के कनेक्शन की बात का कोई दस्तावेज़ अभी मौजूद नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इन दोनों के बीच में किसी तरह का कॉन्टैक्ट शायद नहीं था। मगर दोस्तों, सैमुअल हिल ने अपनी किताब में लिखा है कि नवाब हैदर अली ख़ुद यूसुफ़ ख़ान साहब के कारनामों से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे, क्योंकि हैदर अली ख़ुद पढ़े लिखे नहीं थे मगर यूसुफ़ ख़ान साहब लगभग 6 लैंग्वेजेस में महारत हासिल कर चुके थे। दोस्तों, जैसे जैसे यूसुफ़ ख़ान साहब आगे बढ़ते गए वैसे वैसे ही नवाब ऑफ आरकोट के उनके ख़िलाफ़ जलन और नफ़रत भी बढ़ती गई और इसी जलन के चलते नवाब ऑफ आरकोट ने यूसुफ़ ख़ान साहब को जहर देकर भी मारने की कोशिश की। मगर कहा जाता है कि किसी भी तरह के जहर का यूसुफ़ ख़ान साहब पर असर नहीं होता था और इस बात से तंग आकर नवाब ऑफ आरकोट ने अब अंग्रेज़ों को यूसुफ़ ख़ान साहब के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि जब यूसुफ़ ख़ान साहब ने अपने एक साल पूरे होने पर 5 लाख की रकम अदा की अंग्रेज़ों को तो पैसे लेने के बाद अंग्रेज़ों ने यूसुफ़ ख़ान साहब से मदुरई का इलाका वापस लेने की बात कही। इस बात को सुनने के बाद यूसुफ़ ख़ान साहब बेहद गुस्सा हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से उस पूरे इलाके की तरक्की की थी और अब अंग्रेज़ उनका वो इलाका उनसे छीनना चाहते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि यूसुफ़ ख़ान साहब ने क्लियर कट अंदाज में अंग्रेज़ों को जवाब दिया कि मैं अब आप लोगों को 5 लाख के बजाय 7 लाख रुपये सालाना दूंगा, लेकिन मैं मदुरई की आवाम को और उस इलाके को कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। लेकिन इस मुआहदे के बाद भी नवाब ऑफ आरकोट और ब्रिटिश किसी तरह से यूसुफ़ ख़ान साहब को हटाना चाहते थे। इसी बात से तंग आकर यूसुफ़ ख़ान साहब ने ख़ुद को और अपनी हुकूमत को इंडिपेंडेंट होने का डिक्लेयर कर दिए और ख़ुद अपने नाम पर टैक्स लेने लगे। और साथ ही यूसुफ़ ख़ान साहब ने अपनी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग आर्मी तैयार करने में भी लग गए। दोस्तों, ये बात जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई और अब नवाब ऑफ आरकोट को और ब्रिटिश को यूसुफ़ ख़ान साहब की तरफ से ख़तरा लगने लगा। और इस बात को लेकर अंग्रेज़ों ने और नवाब ने मिलकर कैप्टन मानसून के अंडर में एक छोटे से लश्कर को भेजकर यूसुफ़ ख़ान साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की। मगर दोस्तों, अंग्रेज़ और नवाब की इस हरकत से यूसुफ़ ख़ान साहब और भी जलाल में आ गए और उन्होंने फ़ौरन फ्रेंच की मदद से तोप और बंदूकें बनाने की फैक्ट्री लगा दी। और जैसे ही इस बात का पता नवाब ऑफ आरकोट को चला तो वो बेहद घबरा गया और उसने फ़ौरन ट्रावनकोर के राजा के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ी फ़ौज को तैयार किया। और जब नवाब ऑफ आरकोट और ट्रावनकोर के राजा ने यूसुफ़ ख़ान साहब के साथ जंग की तो कहा जाता है कि यूसुफ़ ख़ान साहब ने ट्रावनकोर के राजा और उसकी फ़ौज को बुरी तरह से हरा दिया और साथ ही उसके किले के ऊपर जितने भी ब्रिटिश के झंडे लगे थे उनको निकाल कर उनको जला दिया गया।
दोस्तों अब यहाँ से यूसुफ खान साहब ने डायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर को चुनौती दे दी थी। पहले तो मद्रास के गवर्नर सॉन्डर्स ने यूसुफ खान साहब को बुलाकर उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ खान साहब मद्रास नहीं गए और ना ही उन्होंने अंग्रेज़ों को किसी तरह का जवाब दिया। अंग्रेज़ भी अब आर्कोट के नवाब के साथ हो गए और उन लोगों ने मिलकर यूसुफ खान साहब के ऊपर पूरी तरह से एक भयानक हमला करने की साजिश की। दोस्तों जैसे आपको पता ही है कि हज़रत टीपू सुल्तान के ऊपर भी तीन ताकतों यानी कि मराठा, निज़ाम और ब्रिटिश मिलकर हमला किए थे, उसी तरह यहाँ पर यूसुफ खान साहब के ऊपर भी नवाब ऑफ आर्कोट, राजा ऑफ ट्रावनकोर और ब्रिटिश ने मिलकर हमला किया था। लेकिन जितने बार भी अंग्रेज़ों ने हमले करने की कोशिश की, हर बार यूसुफ खान साहब ने उन लोगों को धूल चटाई और कई बार तो ऐसा हुआ कि यूसुफ खान साहब अपने साथ कुछ 400 या 500 आदमी लेकर दुश्मनों के ऊपर ऐसे गोरिल्ला अटैक्स करते थे और उनके कैंप्स में घुसकर ऐसे तबाही मचाते थे कि अंग्रेज़ों के पूरे कैंप के अंदर भगदड़ मच जाती थी। दोस्तों कुछ फोलक्लोर स्टोरीज़ में कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के अंदर इतना डर बैठ गया था यूसुफ खान साहब का कि वो लोग अपनी पूरी फ़ौज को लेकर जंगलों के अंदर से गुजरने से भी डरते थे। यूसुफ खान साहब का नाम आम आवाम के अंदर ऐसा फैल गया था कि लोग उन्हें एक हीरो या एक लेजेंड की तरह देखने लगे थे। और दोस्तों इसी बात को लेकर अंग्रेज़ और नवाब की दोनों की नींद उड़ी हुई थी और वो लोग बस किसी भी तरह से यूसुफ खान साहब को रास्ते से अब हटाना चाहते थे। और इसी बात को लेकर कहा जाता है कि आर्कोट के नवाब ने मेजर चार्ल्स कैम्बल के साथ एक बहुत ही खुफिया मीटिंग की और उस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि वो लोग यूसुफ खान साहब के तीन ख़ास लोगों को पैसे का और दौलत का लालच देकर उन्हें ख़रीद लेंगे। और वैसा ही किया गया। यूसुफ खान साहब के तीन जनरल्स दीवान श्रीनिवास राव, फ्रेंच कैप्टन मार्चंद और यूसुफ खान साहब की ही फ़ौज के हकीम जिनका नाम बाबा खान कहा जाता है, उनको अंग्रेज़ों ने और नवाब ने बहुत ही बड़ी रकम देकर ख़रीद ली। और फिर जब अंग्रेज़ों ने मदुरई के फोर्ट पर चारों तरफ से घेर कर हमला किया तो गद्दारों ने भी अंदर से अपना काम शुरू कर दिया। दोस्तों कहा जाता है कि दीवान श्रीनिवास राव यूसुफ खान साहब की फ़ौज को हमला ना करने का हुक्म देता था और यूसुफ खान साहब से आकर वो कहता था कि हमले किए जा रहे हैं और कामयाबी भी उन्हें मिल रही है। दूसरा गद्दार फ्रेंच मार्चंद, ये पूरी फ़ौज के हौसले तोड़ने में और गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने में लग गया। और इसी तरह तीसरे गद्दार बाबा खान ने भी गद्दारी के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी और उसने यूसुफ खान साहब की हर एक्टिविटी की खबर रेगुलरली अंग्रेज़ों तक पहुंचाई। मगर दोस्तों इन तीनों गद्दारों ने मिलकर साथ ही एक बहुत बड़ा प्लान बनाया कि किसी भी तरह से यूसुफ खान साहब को मार दिया जाए या फिर उन्हें पकड़ लिया जाए। और ये बात वो लोग क्लियरली जानते थे कि ऐसा काम वो तभी कर सकते हैं जब यूसुफ खान साहब नमाज पढ़ रहे हों। और दोस्तों यही किया उन गद्दारों ने अक्टूबर 13 या 14, 1764 की रात को। कहा जाता है कि यूसुफ खान साहब ईशा की नमाज अदा करके मस्जिद में ही अकेले बैठकर जिक्र कर रहे थे और उनकी तलवार उस वक्त मस्जिद के बाहर थी। दोस्तों इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो तीनों गद्दार अपने साथ लगभग 200 आदमियों को लेकर रात के अंधेरे में चुपके से मस्जिद को घेर लिए और जैसे ही यूसुफ खान साहब उठे वहाँ से निकलने के लिए तो उन गद्दारों ने यूसुफ खान साहब के ऊपर हमला किए। मगर दोस्तों यूसुफ खान साहब खुद एक पहलवान थे तो वो इन तीन गद्दारों के ऊपर भारी पड़ गए। लेकिन जो 200 लोगों को वो गद्दार लाए थे उसमें से कुछ सिपाही मस्जिद के अंदर आए और लगभग 50 से भी ज़्यादा लोगों ने यूसुफ खान साहब को पकड़ने की कोशिश की। कहा जाता है कि इसी हाथापाई में किसी ने यूसुफ खान साहब की पगड़ी या इमामे के कपड़े को निकाल कर उनकी आंखों पर बांध दिया। और साथ ही कुछ फोलक्लोर स्टोरीज़ में ये भी कहा जाता है कि उस हकीम बाबा खान ने यूसुफ खान साहब को उसी दौरान कुछ सूंघा दिया जिसकी वजह से आप बेहोश हो गए। और इसके बाद उन गद्दारों ने यूसुफ खान साहब के हाथ पांव बांध दिए और उन्हें वो मस्जिद से बाहर लेके जाने ही वाले थे कि वहाँ पर यूसुफ खान साहब की बीवी अपने कुछ सिपाहियों को लेकर वहाँ पहुँच गए। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ इस मौके पर यूसुफ खान साहब की बीवी ने उन्हें छोड़ देने की मिन्नत की और साथ ही उन गद्दारों से ये भी कहा कि वो चाहें तो वो पूरा महल का ख़जाना ले सकते हैं। मगर गद्दार नहीं माने और उन लोगों ने यूसुफ खान साहब की बीवी को भी घर के अंदर गिरफ्तार करके कैद कर लिया और वहीं पर कई यूसुफ खान साहब के वफादारों को भी मार दिया गया।
कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के साथ कुछ बातचीत करने के बाद गद्दार मारचंद, श्रीनिवास राव और बाबा खान ने यूसुफ खान साहब को एक पालकी में छुपाकर वो किले से बाहर ले गए और उन्हें अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर इस वाकये को रोककर मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि क्या आप जानते हो कि इसी तरह से हज़रत टीपू सुल्तान को भी किडनैप करने का एक प्लान किया गया था। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। हज़रत टीपू सुल्तान की शहादत से कुछ साल पहले ये प्लान किया गया था, और वो किसने किया था और क्या हुआ था ये बात मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। बहरहाल दोस्तों, जब यूसुफ खान साहब को बेहोश करके हाथ पांव बांधकर अंग्रेज़ों के सामने ले जाया गया तो चारों तरफ जश्न का माहौल शुरू हो गया। और जब नवाब ऑफ आर्कोट को ये बात पता चली तो वो ब्रिटिश कैंप में दौड़ा दौड़ा आया, और जब यूसुफ खान साहब को वो देखने गया और जब बेहोश पड़े यूसुफ खान साहब के चेहरे से कपड़ा हटाया गया तो कहा जाता है कि आर्कोट के नवाब का गला सूख गया सिर्फ यूसुफ खान साहब को देखकर। ऐसा खौफ था यूसुफ खान साहब का। दोस्तों, सैमुअल चार्ल्स लिखते हैं कि अंग्रेज़ सोच ही रहे थे कि यूसुफ खान साहब का क्या किया जाए, मगर नवाब ने यह मांग रखी अंग्रेज़ों के सामने कि वो यूसुफ खान साहब को डायरेक्टली फांसी देना चाहता है। और फिर अगले दिन यानी कि अक्टूबर 15, 1764 को यूसुफ खान साहब को सम्मटीपुरम, जो मदुरई और डिंडीगुल के पास ही ब्रिटिश कैंप था, वहाँ पर यूसुफ खान साहब को ले जाया गया और एक बहुत बड़े पेड़ पे उन्हें फांसी दी गई। मगर दोस्तों, उनकी फांसी देने के वक्त एक अजीब वाकया हुआ। सैमुअल चार्ल्स ने अपनी किताब में ख़ुद इस वाकये का जिक्र किया है कि पहली बार जब यूसुफ खान साहब को फांसी पर लटकाया गया तो उनकी जान नहीं गई और वो रस्सी भी टूट गई और आप नीचे गिर गए। इसी तरह जब दूसरी बार भी आपको फांसी पर लटकाया गया तब भी आपकी जान नहीं गई और आप दोबारा नीचे गिर गए। दोस्तों, कहा जाता है कि इस वक्त खुद यूसुफ खान साहब ने ये बात कही कि मेरी जान इतनी आसानी से नहीं निकलेगी, मेरे सीधे बाजू पे एक तावीज़ है, उसको निकाल दो तभी मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा होगी। और वैसे ही जब उस तावीज़ को निकाल के उन्हें दोबारा फांसी दी गई तब जाकर आपकी शहादत हुई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी आर्कोट के नवाब का दिल नहीं भरा था, साथ ही वो इस मंज़र को देखकर भी बेहद हैरान था, तो उसने अपने सिपाहियों को ये हुक्म दिया कि वो यूसुफ खान साहब के जिस्म को नीचे उतारें और उनके जिस्म के 6 टुकड़े कर दें, यानी कि उनके हाथ काट दें, उनका सर और उनके पैर काट दें। और जब उनके हाथ पांव और सर को काट दिया गया तो आपके सर को तिरछी भेज दिया गया और आपके हाथों को पलयमकुट्टई भेजा गया और आपकी टांगों को पेरियाकुलम भेजा गया। दोस्तों, आपके धड़ को वहीं पर सम्मटीपुरम के पास ही मदफून कर दिया गया। और अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये यूसुफ खान साहब की दरगाह या मज़ार शरीफ है, और यहाँ पे आपके धड़ यानी के टॉर्सो को दफनाया गया था। दोस्तों, इस जगह को खान साहब पलीवसल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में कोशिश करूँगा कि मैं इस जगह को जाकर इस दरगाह शरीफ और मज़ार शरीफ को आपको दिखाऊँ। और दोस्तों, इस तरह यूसुफ खान साहब की ज़िंदगी की दास्तान यहाँ पर ख़त्म हुई। दोस्तों, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मर्दुनायगम पिल्लई उर्फ यूसुफ खान साहब शहीद को जन्नत में आला से आला मुकाम और दर्जात अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस शहीद की भूली हुई दास्तान को सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलिए। और अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।